क्वेश्चन 38 देखिए। ए बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट बी। एक बैकयार्ड है जो एक ट्रेंगल की शेप का है ए बी सी, जहाँ पर जो बी है वो 90 डिग्री का है, यानी ये जो बैकयार्ड है राइट एंगल्ड एट बी है। ए बी इज 7 मीटर एंड बी सी इज 15 मीटर। ए सर्कुलर पिट वॉज डग इन साइड इट सच दैट इट टचेज द वॉल्स। एक सर्क्यूलर पिट इसके अंदर डग किया गया, मतलब खोदा गया इस तरीके से कि पी ए सी को टच करता है, आर पॉइंट पर ये ए बी को टच करता है और क्यू पॉइंट पर ये बी सी को टच करता है, और ए पी जो है वो हमें एक्स यहाँ पर दे रखा है। हेयर यहाँ पे हमें जो ए बी है वो दे रखा है आपका 7 मीटर, बी सी है वो दे रखा है 15 मीटर, एंड जो ए पी है वो हमें दे रखा है एक्स मीटर। नाउ वो कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। ए आर की लेंथ निकालनी है, दिस लेंथ। अब मैं कहूं कि ए आर इज इक्वल टू ए पी, आप बोले सर ऐसा क्यों? देखिए ये सर्कल है और ये आर और पी पॉइंट पर लाइंस टच कर रही हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गए, यानी ये दोनों टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल बाई थ्योरम 10.2। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी जो ए आर है इन टर्म्स ऑफ एक्स वो एक्स के ही इक्वल आ गया, और इसी रिजल्ट से बी आर और बी क्यू इक्वल होंगे क्योंकि ये भी टेंजेंट हैं, और इसी रिजल्ट से सी पी और सी क्यू भी इक्वल होंगे, हमने इन्हें यहीं पर लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं वो क्या कह रहा है। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर। बी क्यू ओ आर यानी O से Q को मैप करेंगे, मिलाएंगे यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, और Q O से R को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाकर के हम रेडियस बनाते हैं तो वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर बन गया। सो बी आर ओ क्यू इज ए स्क्वायर, ये क्या है आपका एक स्क्वायर यहां पर बन रहा है। थर्ड वन को देखिए जरा क्या कह रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पी सी, पी सी कहां पर है? पी सी इज हियर, इसकी लेंथ निकालनी है। जरा समझें, यहाँ पर मैं अगर बी आर की लेंथ निकालना चाहूँ, ये एक्स है, तो बी आर की जो लेंथ है, बी आर की लेंथ हमारे पास हो जाएगी, टोटल है 7, उसमें से एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 माइनस एक्स। जितना बी आर है उतना बी क्यू होगा, ये बी क्यू के इक्वल है, बी क्यू इज 7 माइनस एक्स। और अगर मैं सी क्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि बी सी 15 है, तो सी क्यू मेरे पास क्या होगा? सी क्यू इज इक्वल टू बी सी माइनस बी क्यू, यानी 15 माइनस 7 माइनस एक्स, यानी 15 माइनस 7 प्लस एक्स, यानी 8 प्लस एक्स। और जितना सी क्यू है उतना ही सी पी या फिर पी सी होगा, ये हमने रिजल्ट पहले ही बता दिए कि ये इसके इक्वल है। तो हमारा जो पी सी है वो 8 प्लस एक्स हमारे पास आ रहा है। अब हमें x को सॉल्व करके निकालना है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो हम यहाँ पी जी टी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारे पास कितना हो जाएगा? x प्लस 8 प्लस x का स्क्वायर, ए बी है हमारे पास 7 का स्क्वायर, और बी सी है हमारे पास 15 का स्क्वायर।
ये हो गया 49, ये हो गया 225 और ये हो गया 274। इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट बन जाएगा 8 + 2x इज इक्वल टू रूट 274 और यहां पे है 8 + 2x और रूट 274 की वैल्यू हम यहां यूज कर रहे हैं 16.55। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे टू प्लेसेस तक, यहां पे इधर ले आएंगे तो 2x इज इक्वल टू -8 + 16.55 तो यहां पे आ गया 8.55/2 यानी 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 274 मीटर एप्रोक्स, यानी जो x की वैल्यू है वो 4.27 मीटर अप्रॉक्सीमेटली यहां पर आएगी। उसमें पॉइंट के बाद एक दो डिजिट्स का फर्क हो सकता है। इसका जो b वाला पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, और फाइंड x एंड हेंस फाइंड द r ऑफ द सर्कल। x तो हम निकाल चुके हैं, हमने अभी निकाला, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें निकालनी है। रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल को आप देखें तो जितना बी क्यू है उतना ही ओ आर होगा हमारा, बिकॉज दिस इज अ स्क्वेयर। यहां पे आप लिख देंगे कि ओ आर इज इक्वल टू बी क्यू, और रीजन में बता देना कि बी आर ओ क्यू इज ए स्क्वेयर, ये स्क्वेयर है तो सारी साइडें इसकी इक्वल होंगी। और बी क्यू को हमने कितना निकाला था, बी क्यू इज 7 - x, बी क्यू इज 7 - x यानी 7 - 4.27 यानी यहां आएगा 3, 9 - 2 = 7 एंड यहां बचा 6 - 4 = 2 मीटर एप्रोक्स, यानी इतनी इसकी रेडियस यहां पर होगी। तो ये क्वाइट सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। पहले हमने यहां पर जो रिजल्ट्स उसने पूछ रखे थे वो सब बता दिए। आफ्टर दैट यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने x की वैल्यू निकाल दी। फिर x की वैल्यू निकालने के बाद उसने रेडियस को पूछा, तो रेडियस भी हमने यहाँ पर बता दी है।